अब अभी भी आपके पास टाइम है, बराए मेहरबानी आप बलूचिस्तान को संजीदा लें, बलूचिस्तान के मामलात को संजीदा लें। अगर बलूचिस्तान का इंटरेस्ट इस वफाकी बजट में प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इसके कोलिशन पार्टनर्स हम ज़रूर इस बात को गौर करने पर मजबूर होंगे कि हम वो बजट जो बलूचिस्तान के दर्द और दुखों का मदावा नहीं हो सकता तो उस बजट को भी हम सपोर्ट करने का जो है सोचेंगे। शुक्रिया। देखिए, बलूचिस्तान के मुकदमे को लड़ने के लिए हमें अपोजिशन से भी रابطہ करना पड़ा, हम उनसे भी रابطہ करेंगे। हमें जो है वफाकी जितनी भी पार्टियाँ हैं उनसे रابطہ करना पड़ा, हम उनसे रابطہ करेंगे। बलूचिस्तान के इंटरेस्ट, बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की, बलूचिस्तान के इश्यूज़ पे जो है हम किसी तरह की जो है कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज वज़ीर आला साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे और जितने भी हमारे खदशात हैं, तहफ़ुज़ात हैं, हम उनको आगाह करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब से हम उम्मीद रखते हैं कि जी बलूचिस्तान के मामलात को जो हैं वो हंगामी तौर पे उनको देखेंगे। और जो हमारे साथ जिस तरह का रवैया फेडरल गवर्नमेंट ने और जो है वहाँ के प्लानिंग कमीशन ने हमारे साथ रखा हुआ है, इसमें हम 100% उसकी ज़िम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट पे भी नहीं डालते, बल्कि शायद वहाँ के जो इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी है उसकी जो है नज़रें बलूचिस्तान के जो है गरीब लोगों तक नहीं पहुँचती, बलूचिस्तान की पसमानदगी को शायद वो नहीं देख सकते। लेकिन मैं आपके तवसुत से ये बावर कराना चाहूँगा कि हम जो हैं बलूचिस्तान के इशूज़ को हर सूरत में, हर तौर पे जो हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो है टेकअप करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम बलूचिस्तान के जो हकूक़ के हवाले से चुप नहीं बैठेंगे और हम अपना जो है उनके साथ जो है उनसे अपने हकूक़ लेके ही रहेंगे। इसमें मैं एक दो मिनट बात करूँगा अगर आप लोग इजाज़त देंगे। जी। देखो, यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट बनी है, हम एक अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से हम इस गवर्नमेंट का हिस्सा है। 73 साल से हम यही कह रहे हैं कि हमारे बलूचिस्तान के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही है वो इस बुनियाद पे इस तरीके से होती हैं। ये जो महरूमियों की हम बात करते हैं कि महरूमियों को ख़त्म होना चाहिए, खुदा ना खास्ता हम इस मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम इस पाकिस्तान में रहने वाले हैं, इस पाकिस्तान के हम बाशिंदे हैं। बलूचिस्तान एक वसी सूबा है, यहाँ से सीपेक गुजरता है, यहाँ से गैस निकलता है, यहाँ से 800-850 किलोमीटर कोस्टल है, यहाँ पे दुनिया की कुदरती खजाने यहाँ पे मौजूद है। हम यही कहते हैं कि बलूचिस्तान के आवाम, अब अभी भी आपके पास टाइम है, बराए मेहरबानी आप बलूचिस्तान को संजीदा लें, बलूचिस्तान के मामलात को संजीदा लें। अगर बलूचिस्तान का इंटरेस्ट इस वफाकी बजट में प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इसके कोलिशन पार्टनर्स हम ज़रूर इस बात को गौर करने पर मजबूर होंगे कि हम वो बजट जो बलूचिस्तान के दर्द और दुखों का मदावा नहीं हो सकता तो उस बजट को भी हम सपोर्ट करने का जो है सोचेंगे। शुक्रिया। देखिए, बलूचिस्तान के मुकदमे को लड़ने के लिए हमें अपोजिशन से भी रابطہ करना पड़ा, हम उनसे भी रابطہ करेंगे। हमें जो है वफाकी जितनी भी पार्टियाँ हैं उनसे रابطہ करना पड़ा, हम उनसे रابطہ करेंगे। बलूचिस्तान के इंटरेस्ट, बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की, बलूचिस्तान के इश्यूज़ पे जो है हम किसी तरह की जो है कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज वज़ीर आला साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे और जितने भी हमारे खदशात हैं, तहफ़ुज़ात हैं, हम उनको आगाह करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब से हम उम्मीद रखते हैं कि जी बलूचिस्तान के मामलात को जो हैं वो हंगामी तौर पे उनको देखेंगे। और जो हमारे साथ जिस तरह का रवैया फेडरल गवर्नमेंट ने और जो है वहाँ के प्लानिंग कमीशन ने हमारे साथ रखा हुआ है, इसमें हम 100% उसकी ज़िम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट पे भी नहीं डालते, बल्कि शायद वहाँ के जो इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी है उसकी जो है नज़रें बलूचिस्तान के जो है गरीब लोगों तक नहीं पहुँचती, बलूचिस्तान की पसमानदगी को शायद वो नहीं देख सकते। लेकिन मैं आपके तवसुत से ये बावर कराना चाहूँगा कि हम जो हैं बलूचिस्तान के इशूज़ को हर सूरत में, हर तौर पे जो हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो है टेकअप करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम बलूचिस्तान के जो हकूक़ के हवाले से चुप नहीं बैठेंगे और हम अपना जो है उनके साथ जो है
उनसे अपने हकूक लेके ही रहेंगे। इसमें मैं एक दो मिनट बात करूंगा अगर आप लोग इजाज़त देंगे। जी जी, जी जी। देखो यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट बनी है, हम एक अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से हम इस गवर्नमेंट का हिस्सा है। 73 साल से हम यही कह रहे हैं कि हमारे बलूचिस्तान के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो इस बुनियाद पर इस तरीके से होती हैं। ये जो महरूमियों की हम बात करते हैं कि महरूमियों को ख़त्म होना चाहिए, खुदा ना खास्ता हम इस मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, हम इस पाकिस्तान में रहने वाले हैं, इस पाकिस्तान के हम बाशिंदे हैं। बलूचिस्तान एक वसी सूबा है, यहाँ से सीपेक गुजरता है, यहाँ से गैस निकलता है, यहाँ से 800-850 किलोमीटर कोस्टल है, यहाँ पे दुनिया की कुदरती खजाने यहाँ पे मौजूद है। हम यही कहते हैं कि बलूचिस्तान के आवाम, अब अभी भी आपके पास टाइम है, बराए मेहरबानी आप बलूचिस्तान को संजीदा लें, बलूचिस्तान के मामलात को संजीदा लें। अगर बलूचिस्तान का इंटरेस्ट इस वफाकी बजट में प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इसके कोलिशन पार्टनर्स हम ज़रूर इस बात को गौर करने पे मजबूर होंगे कि हम वो बजट जो बलूचिस्तान के दर्द और दुखों का मदावा नहीं हो सकता, तो उस बजट को भी हम सपोर्ट करने का जो है सोचेंगे। शुक्रिया। क्या माजी की रविश को बरकरार रखा और एक दफ़ा फिर जो है ना बेवफाई की जा रही है? बलूचिस्तान में जो अपोजिशन है उनको साथ लेके वफाक के साथ ही मुकदमा लड़ेंगे, इन अपोजिशन जमातों से भी रब्ता करें क्योंकि इनकी भी वफाक में जो है नुमाइंदे मौजूद हैं। देखिए, बलूचिस्तान के मुकदमे को लड़ने के लिए हमें अपोजिशन से भी रब्ता करना पड़ा, हम उनसे भी रब्ता करेंगे। हमें जो है वफाकी जितनी भी पार्टियाँ हैं उनसे रब्ता करना पड़ा, हम उनसे रब्ता करेंगे। बलूचिस्तान के इंटरेस्ट, बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की, बलूचिस्तान के इश्यूज़ पे जो है हम किसी तरह की जो है कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज वज़ीर आला साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे और जितने भी हमारे खदशात हैं, तहफ़ुज़ात हैं, हम उनको आगाह करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब से हम उम्मीद रखते हैं कि जी बलूचिस्तान के मामलात को जो हैं वो हंगामी तौर पे उनको देखेंगे। और जो हमारे साथ जिस तरह का रवैया फेडरल गवर्नमेंट ने और जो है वहाँ के प्लानिंग कमीशन ने हमारे साथ रखा हुआ है, इसमें हम 100% उसकी ज़िम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट पे भी नहीं डालते, बल्कि शायद वहाँ की जो इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी है उसकी जो है नज़रें बलूचिस्तान के जो है गरीब लोगों तक नहीं पहुँचती, बलूचिस्तान की पसमानदगी को शायद वो नहीं देख सकते। लेकिन मैं आपके तवसुत से ये बावर कराना चाहूँगा कि हम जो हैं बलूचिस्तान के इशूज़ को हर सूरत में, हर तौर पे जो हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो है टेकअप करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम बलूचिस्तान की जो हकूक़ के हवाले से चुप नहीं बैठेंगे और हम अपना जो है उनके साथ जो है उनसे अपने हकूक़ लेके ही रहेंगे। इसमें मैं एक दो मिनट बात करूँगा अगर आप लोग इजाज़त देंगे। जी जी जी। देखो यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट बनी है, हम एक अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से हम इस गवर्नमेंट का हिस्सा है। 73 साल से हम यही कह रहे हैं कि हमारे बलूचिस्तान के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो इस बुनियाद पे इस तरीके से होती हैं। ये जो महरूमियों की हम बात करते हैं कि महरूमियों को ख़त्म होना चाहिए, खुदा ना खास्ता हम इस मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम इस पाकिस्तान में रहने वाले हैं, इस पाकिस्तान के हम बाशिंदे हैं। बलूचिस्तान एक वसी सूबा है, यहाँ से सीपेक गुजरता है, यहाँ से गैस निकलता है, यहाँ से 800-850 किलोमीटर कोस्टल है, यहाँ पे दुनिया की कुदरती खजाने यहाँ पे मौजूद है। हम यही कहते हैं कि बलूचिस्तान के आवाम, अब अभी भी आपके पास टाइम है, बराए मेहरबानी आप बलूचिस्तान को संजीदा लें, बलूचिस्तान के मामलात को संजीदा लें। अगर बलूचिस्तान का इंटरेस्ट इस वफाकी बजट में प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इसके कोलिशन पार्टनर्स हम ज़रूर इस बात को गौर करने पे मजबूर होंगे कि हम वो बजट जो बलूचिस्तान के दर्द और दुखों का मदावा नहीं हो सकता, तो उस बजट को भी हम सपोर्ट करने का जो है सोचेंगे। शुक्रिया। बलूचिस्तान में जो अपोजिशन है उनको साथ लेके वफाक के साथ ही मुकदमा लड़ेंगे, इन अपोजिशन जमातों से भी रब्ता करें क्योंकि इनकी भी वफाक में जो है नुमाइंदे मौजूद हैं। देखिए, बलूचिस्तान के मुकदमे को लड़ने के लिए हमें अपोजिशन से भी रब्ता करना पड़ा, हम उनसे भी रब्ता करेंगे। हमें जो है वफाकी जितनी भी पार्टियाँ हैं उनसे रब्ता करना पड़ा, हम उनसे रब्ता करेंगे। बलूचिस्तान के इंटरेस्ट, बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की, बलूचिस्तान के इश्यूज़ पे जो है हम किसी तरह की जो है कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज वज़ीर आला साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे और जितने भी हमारे खदशात हैं, तहफ़ुज़ात हैं, हम उनको आगाह करेंगे।
और प्राइम मिनिस्टर साहब से हम उम्मीद रखते हैं कि जी बलूचिस्तान के मामलात को जो हैं वो हंगामी तौर पे उनको देखेंगे, और जो हमारे साथ जिस तरह का रवैया फेडरल गवर्नमेंट ने और जो है वहाँ के प्लानिंग कमीशन ने हमारे साथ रखा हुआ है, इसमें हम 100% उसकी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट पे भी नहीं डालते, बल्कि शायद वहाँ की जो इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी है उसकी जो है नज़रें बलूचिस्तान के जो है गरीब लोगों तक नहीं पहुँचती, बलूचिस्तान की पसमानदगी को शायद वो नहीं देख सकते। लेकिन मैं आपके तवसुत से ये बावर कराना चाहूँगा कि हम जो हैं बलूचिस्तान के इशूज़ को हर सूरत में हर तौर पर जो हैं फेडरल गवर्नमेंट